इस साल के आईपीएल के खेल में एक बात जो मैंने सीखी है कि भैया ये इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हर दिन अपने रंग बदल रही है, हर दिन एक नया रंग हमें दिखा रही है। और ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों एलएसजी बनाम एमआई के बीच हुए बड़े मुकाबले में, जब मुंबई इंडियंस को मिल चुकी है यहां पर बड़ी शिकस्त। और इस हार के बाद क्या ये टीम हो गई है बेहाल? क्या मुंबई इंडियंस टीम हो जाएगी आईपीएल प्लेऑफ से एलिमिनेट, या फिर अभी भी ये है फेवरेट? सब कुछ हम जानेंगे। लखनऊ क्या मुस्कुराएंगे, क्या अपने आप को टॉप टू में लेकर जाएंगे, या फिर चेन्नई खुद को पहचानेंगे और भैया एक बार फिर से क्वालिफायर वन चपॉक में ही खेलते नजर आएंगे, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। भैया कल की यहां पर लखनऊ की जीत की वजह से किसको फायदा मिला है, किसको नुकसान मिला है, और आज खेला जाएगा बड़ा मुकाबला धर्मशाला में जब आमने सामने होंगे पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स। कितना बड़ा यह मुकाबला है, यहां पर चीजें किस तरीके से होंगी, किसकी हार किसका फायदा, किसकी जीत किसका नुकसान, ये सब कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और जो लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियोस अब बन रहे हैं कल मिली लखनऊ की जीत के बाद सभी टीमों की, ये भी आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सब कुछ आप जानेंगे इस एक वीडियो में। क्योंकि भैया आपको पता है कि पॉइंट्स टेबल एनालिसिस डॉक्टर क्रिक पॉइंट से बेहतर इस पूरे यूट्यूब पर अभी कोई कर नहीं रहा है, और ऐसे ही करते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट आपका प्यार बरकरार रहेगा। और उसके लिए बस इतना समय दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको हमारी ये घंटों की मेहनत का काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ नीचे से हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि नंबर्स बढ़ते हैं तो देखने में निश्चित तौर पर काफी अच्छा लगता है, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है। और अपने एक दोस्त के साथ सिर्फ वीडियो को साझा करना ना भूलें। मैं ज्यादा लोगों से नहीं कहूंगा, सिर्फ एक शेयर भाई तो बनता ही है यार, इतना तो कर ही सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप लोग हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की फैमिली हमारी बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है और जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पर मजा आता है, मस्ती होती है, मजाक होता है, और मैच के टाइम पे हम लोग यहां पर अपना ओपिनियन देते रहते हैं, कुछ रिएक्शन आते हैं, मतलब सारी चीजें होती रहती हैं, एंड स्पेशली न्यूज एंड अपडेट्स रिपोर्ट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली डॉक्टर क्रिक पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं, जो कि शायद ही आपको कहीं देखने को मिलती हैं, सबसे पहले वहां पर आती हैं, फिर हर जगह वहां से सर्कुलेट होती हैं। तो भैया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से जाइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। लेकिन चलिए हम शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और बात करते हैं यहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रो पॉइंट्स के बारे में जो इस मुकाबले के बाद, इस बड़े मैच के बाद निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों यह है कि गुजरात टाइटंस, ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि अब लीग स्टेजेस में टेबल टॉपर्स के तौर पर फिनिश करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अपना अगला मुकाबला हारें या फिर जीतें, क्योंकि अब उनके पास जितने अंक हैं कोई भी दूसरी टीम उनके आसपास नहीं आ सकती। मुंबई के ही चांसेस थे लेकिन उन चांसेस को भी ध्वस्त कर दिया लखनऊ ने अपने घर पर। और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी यहां पर बड़ी प्रो पॉइंट है वो ये है कि प्ले ऑफ चांसेस यहां पर मुंबई के, आरसीबी के, पंजाब किंग्स केकेआर के एंड इवन राजस्थान रॉयल्स टीम के भी डैमेज हो चुके हैं यहां पर लखनऊ की जीत की वजह से। लेकिन एक टीम दोस्तों जो यहां पर मैंने मिस कर दी है और शायद आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, वो नाम है यहां पर चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स। और कल के भी पॉइंट टेबल एनालिसिस में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि किस तरीके से सीएसके के फैंस ये उम्मीद या आशाएं अभिलाषाएं लगाकर बैठे होंगे कि आज लखनऊ अपने घर पर मुस्कुराएगी, एमआई को अदब से हराएगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों, इस जीत के बाद यहां पर टॉप टू में पहुंचने के चांसेस चेन्नई और लखनऊ के तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं। और देखिए ये आईपीएल कैसा चल रहा है, एक दिन सुबह दूसरे दिन शाम हो रही है भैया, क्योंकि एक दिन एमआई फेवरेट थे टॉप टू में जाने के लिए, टेबल टॉपर्स यहां पर बनने के लिए, वहीं पर अब दूसरी तरफ एमआई का ये भी तय नहीं है कि क्या वो टॉप चार में भी जा पाएंगे। दिस इज ब्यूटी ऑफ आईपीएल, एक मैच से सब कुछ यहां पर वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहा है। और इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको ये फैक्ट पता है और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सीएसके और एलएसजी नजर आ रहा है कि टॉप टू के लिए यहां पर लड़ने वाले हैं, और टॉप टू में इन दोनों टीमों को जो अभी सेपरेट कर रहा है वो नेट रन रेट है। तो आखिर इनके बीच में डिफरेंस कितना है दोस्तों? ये डिफरेंस है मात्र 18 रनों का। जी हां, मैं आप लोग को बता दूं, दोनों टीमें पॉइंट टेबल पर आप नजर दौड़ाएंगे, अभी हम आगे चलेंगे तो बहुत ही क्लोज नजर आ रही हैं और डिफरेंस भी मात्र 18 रनों का है, तो जाएगा टॉप टू में ये, तो चलिए हम आगे आपको समझाएंगे। और उसके बाद आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहां पर प्रो पॉइंट, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्रो पॉइंट है दोस्तों कि मुंबई इंडियंस टीम यहां से एलिमिनेट भी हो सकते हैं प्लेऑफ्स की रेस से, इवन अगर वो अपना फाइनल मुकाबला जीत भी जाए। क्या आपको ये बड़ा फैक्ट बताया कि भैया मुंबई इंडियंस जो एक तरफ यहां पे फेवरेट्स बताए जा रहे थे, कल तक टॉप टू में जाने के लिए फेवरेट्स थे, वो अब प्लेऑफ्स की भी रेस से बाहर हो सकते हैं? आखिर कैसे ये सब कुछ हो चुका है और क्यों ये टीम इतना फंस चुकी है? क्या है इनका प्लेऑफ्स में जाने का बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो? इसी वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं। तो चलिए भैया और आगे बढ़ते हैं, फटाफट से यहां पर बात कर लेते हैं अब हमारी प्यारी पॉइंट्स टेबल के बारे में। एक तरफ अगर आप इस पॉइंट्स टेबल पर अब नजर निहारेंगे, दौड़ाएंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि मेरे भाई यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम अदब से हरा दिया, नंबर 3 पर खुद को पहुंचा दिया, और इनका नेट रन रेट +0.304 का। नेट रन रेट में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है दोनों टीमों के, क्योंकि
मुकाबला एकदम अंतिम तक गया था, उसके बाद यहां पर जो है लखनऊ को जीत मिली, लेकिन अब इनके पास 15 अंक झोली में है और ये 15 अंक बहुत वैल्यूएबल है। वहीं पर मुंबई इंडियंस टीम खिसक के नंबर 4 स्थान पर आ चुकी है और इनके पास अब 14 अंक ही है और नेट रन रेट इनका देखिए -0.128 का है। क्या ये नेट रन रेट इनको दिक्कत में डालेगा? एक ही मुकाबला अब यहां से बचा है तो भैया सब कुछ अब चलिए समझेंगे। बाकी इसके अलावा तो पॉइंट्स टेबल लगभग सेम ही नजर आ रही है, कोई खास ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन ये जो पोजीशन स्वैप हुई है ना, ये सिर्फ इन दोनों की पोजीशन नहीं स्वैप हुई है बल्कि बहुत टीमों के किस्मत के ताले खुले हैं, कुछ के यहां पर बंद हो चुके हैं सब कुछ। चलिए इसी वीडियो में आप लोग समझेंगे। फटाफट से बात करते हैं गेन एंड गॉन फैक्टर के बारे में, ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, फिर हम यहां पर सिनेरियोस पे चलेंगे जो कि इन डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और इसके बाद चलिए हम बात करते हैं गेन एंड गॉन फैक्टर की, फटाफट से बात करेंगे क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट्स टेबल का सिनेरियो आपको समझाना है वो आज काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में जाएगा। तो चलिए अब गेन एंड गॉन फैक्टर यहां पर क्या कहता है, गेन किसको हुआ, गॉन कौन हुआ है। लेकिन उसके पहले भैया गेन की बात हो रही है ना, तो मेरे जहन में तुरंत बात आ गई कि भैया गेन तो हमें भी बहुत हो रहा है, वो हो रहा है द स्पोर्ट्स प्रिंस की वजह से, क्योंकि ये है भारत की पहली स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी जिनके पास है टॉप नॉच एनालिस्ट जो इस पूरे इंडियन टी20 लीग में टॉप क्वालिटी प्रेडिक्शंस देकर, फिर चाहे टॉस प्रेडिक्शन हो, मैच प्रेडिक्शन हो, फिर चाहे रिजल्ट प्रेडिक्शन हो, हमें यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी हां दोस्तों, लिमिटेड मैचेस अब बचे हुए हैं और इनके सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद भाई मेरे इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं क्योंकि हर बार ये प्रेडिक्शन करते हैं और हर बार इनकी प्रेडिक्शन सही ही हो रही है। मैं यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अभी के अभी द स्पोर्ट्स प्रिंस जो व्हाट्सएप नंबर है इनको कॉन्टैक्ट करिए, इनकी प्रेडिक्शन आप फटाफट से लीजिए और भैया उसके बाद इस सब्सक्रिप्शन के बाद ना इन बचे हुए मैचेस में जितना आप हारे हैं उसे रिकवर करिए, प्रॉफिट यहां पर कमाइए, क्योंकि मैं तो यही कर रहा हूं मेरे भाई, मजा आ रहा है, इनकी प्रेडिक्शंस बहुत एक्यूरेट है, मैंने पर्सनली यूज की हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर दोस्तों, फटाफट से जाइए। मैं खुद शॉक था कि भाई इतनी अच्छी प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है, पर वही बात है एनालिस्ट है भैया, इतनी अच्छी टीम है तो प्रेडिक्शंस हो जा रही है, आप भी जाइए लुफ्त उठाइए। लेकिन हम बात करते हैं गेन एंड गॉन फैक्टर के बारे में, कौन यहां पर लुफ्त उठा रहा है भैया, फायदा हुआ किसको है, लखनऊ सुपर जायंट्स। जी हां भैया, क्या गजब का फायदा हुआ है, दो महत्वपूर्ण अंक अपनी झोली में लेकर गए हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने प्लेऑफ चांसेस को 19% से इंप्रोवाइज कर दिया है और टॉप 2 में जाने के चांसेस को 15% से दुरुस्त किया है। तो सिर्फ वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने वाले काम कर दिए, नेट रन रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, सेम ही है, क्योंकि वही बात है इतना क्लोज मुकाबला जाता है तो फिर उतना इन्फ्लुएंस होता नहीं है, पर यहां पर उससे फर्क कहां पड़ता है, पॉइंट्स लो, अंदर जाओ, नेट रन रेट की भैया पड़ी किसको है। और वहीं पर दोस्तों इन्होंने जिनका साथ दिया है ना, वो साथ ही साथ नच निभाना, वो वाली बात है, चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम को। जी अब ये टॉप 2 में जाना चाहते थे, एमआई इनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा थी, क्योंकि लखनऊ को तो ये नेट रन रेट में भी पीछे कर सकते हैं, एमआई दोनों जीत जाती तो पॉसिबल ना होता, अब एमआई को हरा के लखनऊ ने इनका वो काम आसान कर दिया है, हालांकि वो अपने लिए भी जीत रहे हैं वो चीज समझिए, पर चेन्नई के यहां पे टॉप 2 में जाने के चांसेस दोस्तों 10% से बढ़ गए क्योंकि एमआई पीछे चली गई। तो भैया चलो आगे निकल गए यहां पे लखनऊ और चेन्नई, और अब हम बात करते हैं गॉन फैक्टर के बारे में, कौन थोड़ा सा डूब गया, निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस, भारी नुकसान हो गया, भारी डैमेज हो गया मेरे भाई, इनके प्लेऑफ चांसेस -22% से अफेक्ट हुए हैं और नेट रन रेट उतना मतलब जो था लगभग वही है, पर इनके अंक नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, अंक तो लाना पड़ेगा अंक तालिका पर, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। और इनके टॉप 2 में भी जाने के चांसेस तो काफी सीवियर तरीके से डैमेज हुए ही है। तो ऐसे में दोस्तों अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं हमारे इस पूरे वीडियो के, यानी कि हमारे पॉइंट्स का पार्ट सेगमेंट। चलिए थोड़ा सा पार्ट यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हैं, सभी टीमों के लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो, उनके प्लेऑफ चांसेस, ये रहे आपके स्क्रीन पर, थोड़ा बस मिनट इंतजार करिए। चलिए शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले गुजरात टाइटंस टीम के पास, आवा दे भैया जीत के साथ, जावा दे, नो टाइम वेस्ट, मतलब बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं मैं, क्योंकि टाइटंस ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं टेबल टॉपर्स के तौर पर इस साल के आईपीएल 2023 में। नो मोर डिस्कशन, टेबल टॉपर गुजरात टाइटंस, भैया बात खत्म। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहां पर चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के बारे में, सीएसके का सिनेरियो अब क्या स्टैंड करता है। देखिए इनके जहन में टॉप 2 है, इनको टॉप 2 में जगह बनानी है, लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक्स करेक्ट करने पड़ेंगे। और बेसिक्स ये कहते हैं देखिए कि अगर दोनों टीमें सीएसके और एलएसजी अपने आखिरी मुकाबले जीत जाते हैं तो फिर रन रेट साइड करेगा कि कौन सी टीम टॉप 2 में जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है सीएसके के लिए कि अपना आखिरी मुकाबला तो जीते, क्योंकि हारेंगे तो भैया ये रेस बहुत कड़ी है, यहां पे कोई भरोसा नहीं है कि अब आप कब पीछे छूट जाए, और पीछे छूट भी सकते हैं, क्योंकि अगर चेन्नई सुपर किंग्स टीम दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स से भी हार जाती है तो वो जो है पोटेंशियली नॉकआउट हो सकते हैं, यानी कि इस टूर्नामेंट से सीधा बाहर हो सकते हैं। और क्योंकि उसका कारण यह है कि लगभग 5 ऐसी साइड्स हैं जो 15 अंकों तक फिनिश कर सकती हैं, पॉइंट्स टेबल
टेबल आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे भाई कि अगर यहां से एलएसजी जीतती है तो वो 17 अंकों तक जाएगी, अगर सीएसके हार गई जैसे मैंने बताया तो 15 पे अटक जाएंगे, और आरसीबी अपने बचे हुए मुकाबले जीत गई वो 16 पे, पंजाब किंग्स जीत गई वो चले गए 16 पे, और ऐसे में आप निकल जाएंगे भैया बाहर, ये चीज यहां पर समझिए। तो सीएसके नेक्स्ट मैच मस्ट विन कंसीडर करिए अगर अपनी सेफ क्वालिफिकेशन चाहते हैं, तो क्वालिफाई तो आप कर जाएंगे नेक्स्ट जीत के साथ, लेकिन टॉप 2 में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फेवर आपको अभी चाहिए रहेगा। लखनऊ के नेट रन रेट पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके नेट रन रेट से मतलब आप आगे ही रहें अगर आप यहां पे टॉप 2 में भी जगह बनाना चाहते हैं और जीत के साथ जाते हैं, कंसीडरिंग कि एलएसजी भी अपना नेक्स्ट मैच जीत जाए, अगर वो हार जाते हैं तब तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, आप एक मैच जीतेंगे और 17 अंकों के साथ ना सिर्फ केवल आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेंगे बल्कि टॉप 2 में भी अपनी जगह सुनिश्चित कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में, तो एलएसजी टीम का यहां से सिनेरियो क्या स्टैंड करता है दोस्तों मैं आप लोग को बताता हूं, सेम एज सीएसके जैसे कि वो 15 पॉइंट पे एलिमिनेट भी हो सकते हैं लेकिन टॉप 2 में भी जा सकते हैं, वही चीज एलएसजी के साथ है। यहां पर आपको ये अपना आखिरी मुकाबला जो कि आप केकेआर के अगेंस्ट 20 मई को खेल रहे हैं वो जीतना ही पड़ेगा, तब आप प्लेऑफ्स के लिए एश्योर हो जाएंगे। लेकिन अगर लखनऊ हारती है केकेआर से तो फिर इनको चाहिए क्या रहेगा वो भी समझा देता हूं, वो भी सिनेरियो समझाता हूं। जैसे मैंने आपको सीएसके का बताया तो फिर ये चाहेंगे कि एटलीस्ट 2 टीमें यानी कि सीएसके एमआई आरसीबी और पंजाब किंग्स में से एटलीस्ट 2 टीमें 15 पॉइंट्स के ऊपर ना जाए, उससे नीचे ही फिनिश करें, उसके बाद आप क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, सीएसके तो ऑलरेडी 15 पॉइंट्स पे, ये एक जीत गए तो फिर तो ये तो आगे निकल जाएंगे, एमआई अगर नेक्स्ट जीत गई तो वो भी आगे निकल जाएगी, फिर आप यही चाहेंगे कि आरसीबी और पंजाब किंग्स अपने बचे हुए एटलीस्ट एक एक मैच हारेंगे, 14-14 पे रहें फिर हम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं इतनी मतलब इतना क्यों परेशान होना, अभी तो आप टॉप 2 के लिए टारगेट करिए, और उसके लिए अगर आपको टॉप 2 फिनिश चाहिए तो दोस्तों आपको अपना आखिरी मुकाबला जो है जीतना पड़ेगा, और सीएसके अगर जीतती है आखिरी मुकाबला तो फिर आपके दिमाग में नेट रन रेट चलेगा, और नेट रन रेट में आप कितना पीछे हैं, लगभग 18 रन पीछे हैं। मान लीजिए अगर सीएसके अपना आखिरी मुकाबला जस्ट सपोज 10 रन से जीत गई तो आपको कम से कम 18-10-28 लगभग 30-20 रन से हराना पड़ेगा यहां पर केकेआर टीम को अगर आप यहां पर टॉप 2 में जगह बनाना चाहते हैं, ये है यहां पर सिनेरियो। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्रिस्टल क्लियर बात आपके सामने रख रहा हूं, इनफैक्ट रनों के साथ अभी के अभी बता देता हूं कि किसको कितना जीतना है कितना हारना है टॉप 2 में अगर जाना है। लेकिन भैया मैं तो कहता हूं टॉप 2 में जाइए ना जाइए आखिरी मैच जीतकर अपने आप को टॉप 4 में तो सेफ रखिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि क्या पता एक हार और सब कुछ यहां पर हो जाएगा बेकार। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मुंबई इंडियंस टीम के बारे में, अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड, क्योंकि हार गए भैया हार गए, और ये दुख ये पीड़ा खत्म नहीं होगी, ये थोड़ी सी दिक्कत देगी। इनका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है दोस्तों समझने का प्रयास करिए, मुंबई इंडियंस टीम के पास एक मुकाबला है, अपने टर्न रेट भी इनका डैमेज्ड है, मैक्सिमम ये 16 अंकों तक जा सकते हैं, लेकिन 16 अंकों तक और कौन कौन जा सकता है समझिए, जा सकती है सीएसके, इससे ऊपर जा सकती है एलएसजी, इससे ऊपर जा सकती है आरसीबी, 16 अंकों तक जा सकती है, और उनका नेट रन रेट आपसे कहीं गुना बेहतर है, एंड पंजाब किंग्स भी जा सकती है, लेकिन चलिए उनको शायद आप नेट रन रेट में थोड़ा सा इधर उधर आंकेंगे और आप उनको शायद नेट रन रेट में पीछे रख सकते हैं। लेकिन बात यही है कि अगर आरसीबी भी चली गई और वो भी मतलब अपने बचे हुए मुकाबले जीत के नेट रन रेट उनका आपसे बेहतर है, एलएसजी सीएसके जीटी ये तो ऑलरेडी आगे निकल सकते हैं, आप तो मेरे भैया बाहर हो जाएंगे। मुंबई इंडियंस टीम यहां पर फंस चुकी है मझधार में, और इसीलिए इनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या है, नेट रन रेट के चक्कर में मत पड़िए, मैं आपको आपका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बताता हूं। दोस्तों मुंबई इंडियंस के फैंस ध्यान से सुनिए, हैदराबाद टीम को आप हराइए 16 अंक लीजिए, आपका आखिरी मुकाबला हैदराबाद के अगेंस्ट है, आप उनको निश्चित तौर पर हराइए, 16 अंक अपनी झोली में रखिए, और एक्सपेक्ट करिए कि सीएसके एलएसजी आरसीबी या पंजाब किंग्स में से कम 2 ऐसी टीमें हो जो यहां पर अपने रिमेनिंग मैचेस हारें, एटलीस्ट ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो तभी आप यहां पर सेफ क्वालिफिकेशन एश्योर कर पाएंगे, नहीं तो भैया फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि याद रहे कि भैया आप ना मतलब अभी 14 अंकों तक ही हो, आपको 16 अंक तक तो निश्चित तौर पर जाना पड़ेगा, और आपका जो नेट रन रेट वो दिक्कत बना देगा क्योंकि नेट रन रेट और टीमों का आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है, ये चीज यहां पर मुंबई इंडियंस को समझनी पड़ेगी। तो इनका बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो सिंपल तौर पर ये है, अपना बचा हुआ मुकाबला जीतिए और फिर एक्सपेक्ट करिए कि ये तो एलएसजी अपना आखिरी मैच हार जाए तो चलो वो 15 तक है, आप 16 तक आप आगे निकल गए, या फिर एक्सपेक्ट करिए कि आरसीबी हार जाए पंजाब किंग्स, मतलब कुल मिलाकर 4 में से ये जो 4 टीमें हैं 2 तो एटलीस्ट हारे ही हारे और आपसे नीचे ही रहें, 16 अंकों के नीचे ही रहें, तभी आपकी यहां पर क्वालिफिकेशन मुझे सेफ नजर आती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि नेट रन रेट में लगभग ये आरसीबी टीम से
70-80 रन पीछे हैं, तो नेट रन रेट में तो आप नहीं पीछे कर पाओगे यार, 70-80 रन की जीत कैसे लेकर आओगे, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये भी आपको यहां पर ज़हन में रखना है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर आरसीबी टीम के बारे में। अब इनकी जब इतनी चर्चा हो गई है तो लगे हाथ इनके भी सिनेरियोस डिस्कस करते हैं। तो आरसीबी टीम के सिनेरियो में भैया मुझे तो एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात अब निकल कर आ रही है वो ये है कि इनके टॉप टू में भी जाने के सिनेरियोस मेरे सामने हैं, और वो भी मैं आपके सामने इसी वीडियो में रखने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनके प्लेऑफ्स क्वालिफिकेशन सिनेरियोस के बारे में। देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आरसीबी अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीती है, मैंने फिर भी कहा है, पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं, बचे हुए दोनों मुकाबले जीती है, आप एश्योर्ड हैं क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए, ये मुझे पता है, क्योंकि आपका जो नेट रन रेट है उसको बीट कर पाए एमआई टीम, अगर मतलब देखिए आपका कंपटीशन उन्हीं से होगा, पंजाब किंग्स भी हैं पर वो बचे हुए जीतेंगे तो भी, क्योंकि अब आप भी तो अपने बचे हुए जीत ही रहे ना, तो आपका नेट रन रेट दुरुस्त ही होगा, तो मतलब पंजाब किंग्स अंटिल एंड अनलेस की कोई बहुत बड़ी मेरिकल पारी से जीत गए आपको पीछे नहीं छोड़ पाएंगे, और अगर वो एक मैच हार गए तब तो फिर वही बात ही खत्म है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहां पर एमआई टीम की, तो इनका भी सिनेरियो बहुत ही सिंपल है कि यार 70-80 रन की जीत चाहिए अगर आप यहां पे आरसीबी को नेट रन रेट में पीछे छोड़ना चाहते हैं, जो कि उतना आसान नहीं है। तो आरसीबी अपने बचे हुए दो मुकाबले जीती, आप एश्योर्ड हैं क्वालिफिकेशन स्पॉट के लिए। और उसके बाद दोस्तों दूसरी कंडीशन ये कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आरसीबी अपना सिर्फ एक मुकाबला जीतते हैं, चलिए मानते हैं एक ये हार जाएंगे, तो फिर इनको चाहिए क्या रहेगा, इनको चाहिए रहेगा कि एमआई और पंजाब किंग्स भी अपने बचे हुए मुकाबले हारे, यानी कि एमआई भी 14 पे अटक जाए और पंजाब किंग्स भी 14 पर ही अटक जाए, तब भी ये आगे निकलेंगे, क्योंकि फिर से इनका नेट रन रेट इन दोनों टीमों की तुलना में ज्यादा ही बेहतर है। और अगर एमआई अपना लास्ट मैच हार गए तो नेट रन रेट तो दुरुस्त होगा ही नहीं, पंजाब किंग्स ऑलरेडी पीछे एक हार गए तो फिर नेट रन रेट उनका भी उतना अच्छा नहीं होगा, आरसीबी फिर भी आगे निकल जाएगी क्योंकि फिर नेट रन रेट ही डिसाइडर होगा, और आरसीबी टीम का कंपैरेटिवली नेट रन रेट काफी बेहतर है दूसरी टीमों की तुलना में। लेकिन चलिए ये तो बातचीत हो गई कि हार गए, ये हो गया, वो हो गया, अगर जीत गए तो फिर तो आप एश्योर्ड हैं, लेकिन अगर ये जीत गए तो क्या टॉप टू में जाएंगे, टॉप टू में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए आरसीबी का टॉप टू सिनेरियो समझाता हूं दोस्तों। उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, अपने बचे हुए मुकाबले जीतिए, सिंपल कंडीशन है, और सीएसके और एलएसजी अपना आखिरी लीग मुकाबला हार जाए। अगर ऐसा होता है तो सीएसके अटक गई 15 पॉइंट पर, एलएसजी भी अटक गई 15 पॉइंट पर, और ऐसे में अब आपके लिए दरवाजे खुलेंगे, आप 16 अंकों तक जा सकते हैं। आरसीबी अपने बचे हुए दोनों मुकाबले अगर जीत जाते हैं और एमआई और पंजाब किंग्स को नेट रन रेट में हरा देते हैं तो फिर ये चले जाएंगे प्लेऑफ्स के टॉप टू स्थानों को क्लेम करने के लिए, भिड़ेंगे गुजरात टाइटंस से क्वालिफायर वन में चेन्नई में, ये भी पॉसिबल है। और मैं कह रहा हूं एमआई और पंजाब किंग्स को नेट रन रेट में इसीलिए हराएं, अगर मैं ये मान लूं कि एमआई भी अपना बचा हुआ मुकाबला जीत गई और पंजाब किंग्स भी, अगर इनमें से कोई एक हार गया तब तो फिर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, आप सिंपली यहां पर क्वालिफाई कर जाओगे टॉप टू स्पॉट्स के लिए। तो कुल मिलाकर जो बड़ी टक्कर है वो ये है कि क्या सीएसके और एलएसजी अपने बचे हुए मुकाबले हार सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है, और क्या यहां पर आरसीबी अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत सकती है। अगर ऐसा हो गया तो भैया मिरेकल हो सकता है आपको आरसीबी एक बार मतलब काफी समय बाद टॉप टू में आईपीएल 2023 की पॉइंट्स टेबल में नजर आ सकती है। और इनके बचे हुए मुकाबले हैदराबाद और गुजरात से हैं, जिनको तो इन्हें जीतना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में, अगर आपको टॉप चार में जाना है या फिर टॉप टू में भी जाना है। और उसके बाद दोस्तों बात हो यहां पर रजवाड़ों की, राजस्थान रॉयल्स, दाल बाटी चूरमा, क्या अभी भी बन सकते हैं सूरमा, क्या है इनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो, देखिए दोस्तों क्रिस्टल क्लियर सिंपल रखता हूँ, बहुत मुश्किल है पर यही हो सकता है कि आरसीबी और एमआई जो है एटलीस्ट अपने एक मुकाबले हारें और फिनिश करें 14 अंकों पर। अब एक ही स्पॉट ओपन है 14 अंकों के लिए, आप याद रखिए, सा और बाकी तीन टीमें 14 से ऊपर जा चुकी हैं, तो भैया ये मैक्सिमम 14 तक ही जा सकते हैं, तो टॉप चार में चौथे स्थान पर ही आप जगह बना सकते हैं, और उसके लिए भी आरसीबी और एमआई को हारना पड़ेगा। और उसके बाद रॉयल्स टीम को यानी कि राजस्थान रॉयल्स को पंजाब किंग्स को उनके लास्ट मुकाबले में, क्योंकि आरआर वर्सेस पंजाब किंग्स ही है तो फिर यहां पर तो मतलब आरआर और पंजाब किंग्स में दोनों तो जा नहीं सकते, ये बात तो बिल्कुल श्योर शॉट है, तो आरआर अपने लास्ट मैच में पंजाब किंग्स को रिलेटिवली काफी बड़े मार्जिन से हराए, इतने बड़े मार्जिन से हराए भैया कि वो नेट रन रेट में यहां पर आरसीबी से भी आगे निकले और एमआई से तो वो ऑलरेडी आगे हैं। सो ओवरऑल द सिनेरियो इज प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हियर कि आप पंजाब किंग्स को हराओ, उनको 14 अंकों तक रखो, आप भी यहां पे जीत के साथ 14 अंकों तक जाओ, और आप अपने नेट रन रेट को अच्छा रखो, जो कि अच्छा है, अभी भी बहुत खराब नहीं, इन टीमों की तुलना में तो अच्छा ही है, और आरसीबी और एमआई अपने बचे हुए मुकाबले हार जाए। अगर ऐसा होता है तो रजवाड़े भी आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों यहां पर टॉप चार में। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर पंजाब किंग्स टीम के बारे में, क्या है इनका सिनेरियो, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आरसीबी जैसा है, अगर आप अपने यहां पे बचे हुए मुकाबले जीतते हो तो आपको 16 अंक मिलेंगे, लेकिन 16 अंक शायद आरसीबी के लिए पर्याप्त हो, आपके लिए नहीं, क्योंकि आपका नेट रन रेट खराब है। तो उसके लिए आप यहां पर यह ध्यान रखो कि पांच और ऐसी साइड्स हैं जो पॉसिबली 16 या 16 से ज्यादा अंकों तक जा सकती हैं, और फिर नेट रन रेट आएगा यहां पर गेम में, जहां पर आप सभी टीमें जो फाइट कर रही हैं उनसे पीछे ही हैं, तो ऐसे में इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो क्या है दोस्तों, कि आज के मुकाबले
मुकाबला भी खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल से धर्मशाला में, फिर आरआर से खेलेंगे धर्मशाला में ही 19 मई को, अपने घर पर खेलेंगे, एडवांटेज है। बात सिर्फ इतनी है जो भी मुकाबला आप यहां से जीत रहे हैं दोस्तों बड़े से बड़े मार्जिन से जीतिए, यही कोशिश करिए। पंजाब यही आपके हाथ में है, बाकी तो उसके बाद देखते हैं कि रब राखा क्या होगा, लेकिन आप यहां पर अपने सारे बचे हुए मुकाबले बड़े से बड़े मार्जिन से जीतिए, अपने नेट रन रेट को दुरुस्त रखिए, क्या पता कुछ मिरेकल आपके साथ भी हो और आप भी यहां पर टॉप 2 में जाएं, जो कि आसानी से जा सकते हैं, टॉप 4 में जा सकते हैं अगर आपने अपना नेट रन रेट दुरुस्त किया और सामने वाली टीमें मुकाबला हारी। और उसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिनके चांसेस हैं कॉर्बो लॉर्बो जीतबो, क्या हो सकता है इनका सिनेरियो, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आरसीबी और पंजाब किंग्स अपने एक बचे हुए मुकाबले हारे ही हारे, हैदराबाद टीम मुंबई इंडियंस को उनके लास्ट लीग मुकाबले में हरा दे और उसके बाद आप दूसरी टीम जो आपसे कंपीट करेगी उनको नेट रन रेट में हराएं, जो कि एक्चुअली आपसे सबसे ऊपर है और आपके पास इतना मौका भी नहीं है, आप एक ही मुकाबले में अपना नेट रन रेट इंप्रूव कर सकते हो जो कि एलएसजी है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हो तो क्या पता कुछ मिरेकल हो जाए। हालांकि बहुत ही कठिन है कि आप नेट रन रेट में सामने वाली टीमों को पीछे छोड़ पाओ, पर वही बात है, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, यही है आईपीएल के धोनी, वैसे धोनी होते हैं लेकिन चलिए, केकेआर भी वो काम कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों ये रहा यहां पर सभी टीमों का जो अभी तक यहां पर प्लेऑफ्स की रेस में है उनका लेटेस्ट ताजा तरीन एकदम क्वालिफिकेशन सिनेरियो। अब बात करते हैं यहां पर प्लेऑफ क्वालिफिकेशन चांसेस के बारे में, एलएसजी बनाम एमआई के मैच के बाद अपडेटेड यहां पर चांसेस क्या कहते हैं। दोस्तों गुजरात टाइटंस टीम ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स टीम के 88% चांसेस हैं प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए, तो भैया काफी अच्छे चांस है। दिल्ली को हराया तो ऑफिशियली जाएंगे टॉप 2 में भी जगह बना सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स 85% चांसेस इनके हो चुके हैं, क्या गजब का जंप इनको मिला है, वो तो मैंने वैसे भी गेन फैक्टर में बता दिया। वहीं पर जो गॉन हुई है वो मुंबई इंडियंस टीम है, धड़ल्ले से 54% पे आ चुके हैं, जो एक समय पर टॉप 2 के लिए फेवरेट थे। और उसके बाद बैंगलोर के 31% चांस है, अगर बचे हुए मुकाबले जीतते हैं तो आंकड़े इससे काफी बेहतर हो जाएंगे। वहीं पर पंजाब किंग्स टीम 24% है, नेट रन रेट की वजह से वो इतना पीछे नजर आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम 10% है और कोलकाता नाइट राइडर्स मात्र 3% ही चांसेस हैं। और भैया ये है यहां पर ताजा तरीन चांस। अब बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के बारे में, पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला है, क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, आपको किसको सपोर्ट करना है। पंजाब के फैंस देखिए सिंपल सी बेसिक सी थ्योरी है आपके लिए, तो डू और डाई है, ये तो आप लोग बच्चा समझता है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। अगर दिल्ली कैपिटल्स टीम आज जीती है तो ये प्लेऑफ चांसेस बढ़ाएगी चेन्नई, लखनऊ, एमआई, आरसीबी, केकेआर और रजवाड़ों के। तो कुल मिलाकर ये जान लो सिर्फ पंजाब ही है जो पंजाब को आज सपोर्ट करेगा, बाकी सब लोग दिल्ली को यहां पर जो जोश भरते नजर आएंगे, सपोर्ट भरते नजर आएंगे। अगर आज पंजाब किंग्स जीतती है तो वो सिर्फ खुद के ही चांसेस प्लेऑफ में इंप्रोवाइज करेंगे और अपने आप को इस कंटेंडर लिस्ट में अलाइव रखेंगे। आज हारेंगे तो लगभग सिर्फ औपचारिकता ही शेष बचेगी, क्योंकि अगर आज वो हारे तो दे विल बी प्रैक्टिकली आउट फ्रॉम द प्लेऑफ रेस, और यही मैं आपको बताना चाह रहा था। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर टॉप 2 टीम चांसेस के बारे में, इस मुकाबले के बाद यानी कि जो कल हुआ उसके बाद टॉप 2 में जाने के किसके कितने प्रतिशत चांसेस हैं। गुजरात ऑफिशियली जा चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स टीम के 41% चांसेस स्टैंड करते हैं, लखनऊ के हैं 40%। देखिए दोनों का सब कुछ एकदम सेम है। अब यहां पर बात आती है नेट रन रेट की, जहां पर थोड़ा सा आगे है चेन्नई, तो 1% एडवांटेज में है, लेकिन याद रहे कि वो दिल्ली से खेल रहे हैं आखिरी मुकाबला, जो कि रिलेटिवली सबसे खराब साइड रही है इस पूरे आईपीएल में अब तक, तो ऐसे में उस चीज का भी थोड़ा सा एडवांटेज उनके पास है। लेकिन लखनऊ भी केकेआर से ही खेल रहे हैं, उनको क्या ये दे पाएंगे हार, देखते हैं भैया। और उसके बाद मुंबई इंडियंस टीम के चांसेस 9% हैं, बैंगलोर के हैं 4 और पंजाब किंग्स के हैं 3%। तो बैंगलोर के अभी 4% है, लेकिन मैंने कैसे बताया कि बैंगलोर टॉप 2 में भी जा सकती है, तो भैया वही बात है, वक्त जज्बात यहां पर अब एक ही दिन में बदलेंगे, ऐसे ही बदलेंगे, और यही है द ब्यूटी ऑफ आईपीएल। और ऐसे में दोस्तों ये रहा आज का हमारा पूरा क्वालिफिकेशन सिनेरियो, प्लेऑफ सिनेरियो और सारी चीजें यहां पे, जानकारियां, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल, सब कुछ मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को हमारी पूरी वीडियो एनालिसिस पसंद आया हो, लाइक और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ साझा करना वीडियो ना भूलें, और इसके अलावा हां द स्पोर्ट्स प्रिंस के पास जरूर जाएं, आज के मुकाबले की प्रेडिक्शन लें और इस प्रेडिक्शन से टॉप क्वालिटी यहां पर प्रॉफिट अर्न करें। फटाफट से जाकर सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपके स्क्रीन पर यहां पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, और इसके अलावा दोस्तों याद रहे कि हमारी टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बनना कंपलसरी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, फटाफट से आइए टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों एक नई और ताजा तरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।